Hey, what's up guys? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KJ Hollywood में। लेटेस्ट मूवीज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम कवर करने वाले हैं हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज की टॉप 10 हिंदी डब्ड मूवीज को। और साथ ही दोस्तों, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग इन मूवीज को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है नाइट एंड डे मूवी। यह मूवी दोस्तों 2010 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी है। IMDb ने इसे 6.3 की रेटिंग दी है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 9 पर आती है वॉर फॉर द वर्ल्ड मूवी। यह मूवी दोस्तों 2005 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। IMDb ने इसे 6.5 की रेटिंग दी है और 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, यह मूवी काफी सारे लोगों की फेवरेट मूवीज में से एक है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 8 पर आती है वेनिला स्काई मूवी। यह मूवी दोस्तों 2001 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी है। IMDb ने इसे 6.9 की रेटिंग दी है और 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी और इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 7 पर आती है ओब्लिवियन मूवी। यह मूवी दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। IMDb ने इसे 7 की रेटिंग दी है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी लाइक किया है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 6 पर आती है जैक रीचर मूवी। यह मूवी दोस्तों 2012 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की थ्रिलर एक्शन मूवी है। IMDb ने इसे 7 की रेटिंग दी है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी सीरीज के अंदर अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं और दोनों पार्ट कमाल के हैं, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 5 पर आती है कोलैटरल मूवी। यह मूवी दोस्तों 2004 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की थ्रिलर क्राइम मूवी है। IMDb ने इसे 7.5 की रेटिंग दी है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी में आपको टॉम क्रूज एक अलग ही लुक में नजर आने वाले हैं, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 4 पर आती है मिनोरिटी रिपोर्ट मूवी। यह मूवी दोस्तों 2002 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। IMDb ने इसे 7.6 की रेटिंग दी है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, अगर आप लोग साइंस फिक्शन मूवीज देखने के शौकीन हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपके लिए ही बनी है, तो इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 3 पर आती है द लास्ट सैमुराई मूवी। यह मूवी दोस्तों 2003 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की वॉर एक्शन मूवी है। IMDb ने इसे 7.7 की रेटिंग दी है और 94% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। अगर आप लोगों को हिस्टोरिकल और वॉर टाइप मूवीज देखना पसंद है, तो दोस्तों ये मूवी आपके लिए जैकपॉट है, तो दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 2 पर आती है टॉम क्रूज की ब्लॉकबस्टर मूवी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। यह मूवी दोस्तों 2018 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है। IMDb ने इसे 7.7 की रेटिंग दी है और 94% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी सीरीज के अंदर अभी तक 6 पार्ट आ चुके हैं और इस मूवी का 7वां पार्ट इसी साल यानी कि 2021 में रिलीज होने वाला है, तो दोस्तों इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 1 पर आती है एज ऑफ टुमारो मूवी। यह मूवी दोस्तों 2014 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। IMDb ने इसे 7.9 की रेटिंग दी है और 93% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी में जो एक्शन है वो अलग ही लेवल पर है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा।
मैंने इन सभी मूवीज की लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, जहां से आप इन सभी मूवीज को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को डाउनलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए दोस्तों ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।